हाय स्टूडेंट्स टुडे वी रीड द लेसन नंबर थर्ड वैल्यू ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ़ टाइम समय की कीमत इट्स वेरी इम्पोर्टेंट चैप्टर सो प्लीज़ लेसन केयरफुली समय की कीमत समय समय बहुत बोलवान बलवान होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट है समय की कीमत हमारे जीवन में अगर हम समय की कीमत को जान लेते हैं समय की कीमत को पहचान लेते हैं तो हम अपनी लाइफ में कभी भी फेल नहीं होंगे सो so, हमें अब समय की कीमत को जानना चाहिए तो अब हम लेसन स्टार्ट करते हैं मैन इज़ द आर्किटेक्ट ऑफ इज़ ओन फेट मैन मनुष्य इज़ है आर्किटेक्ट बनाने वाला ऑफ इज़ ओन फेट अपने भाग्य को तो मनुष्य जो है वो अपने फेट भाग्य किस्मत मनुष्य अपने किस्मत का या भाग्य का निर्माण करने वाला खुद ही होता है स्वयं ही होता है इफ़ ही मेक्स ए प्रॉपर डिवीजन ऑफ हिज टाइम इफ़ यदि ही मेक्स ये इफ ही मेक्स यदि वह बनाता है ए प्रॉपर सही डिवीजन डिवीजन बांटना मतलब समय को एक सही तरीके से जैसे आपको बोलते हैं कि आप टाइम टेबल बना लीजिए किस समय क्या करना है तो इस प्रकार से अगर वह समय का सही प्रकार से डिवीज़न कर लेता है ओफ इस टाइम अपने समय का ही इज़ श्योर वह निश्चित ही टू प्रोस्पर प्रोस्पर होता है समृद्धि या वृद्धि या बढ़ोतरी इन लाइफ जीवन में तो अगर वह मनुष्य अपने समय का सही प्रकार से डिविजन कर लेता है बंटवारा कर लेता है तो वह अवश्य ही निश्चित ही जीवन में समृद्धि को प्राप्त करता है या समृद्ध बनता है टाइम होल्ड्स एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन द लाइफ ऑफ ए मैन टाइम समय होल्ड्स होल्ड्स पकड़ना होता है लेकिन यहाँ पे रख रखता है एन इम्पोर्टेंट प्लेस एक महत्वपूर्ण स्थान इन द लाइफ ऑफ ए मैन एक मनुष्य के जीवन में तो जो समय है वो एक मनुष्य के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है ऑल द नेचुरल प्रोसेसिस सभी प्राकृतिक प्रक्रियाएं प्रक्रियाएं जैसे सूरज का उगना चांद का निकलना मतलब जितनी भी प्राकृतिक कार्य हैं वो डिपेंड ऑन टाइम समय के ऊपर निर्भर हैं एज़ जैसे कि सीजन्स मौसम डिपेंड ऑन टाइम समय पर निर्भर हैं मतलब ये तो नहीं है ना कि सर्दी दिसंबर में हमेशा सर्दी होती है ऐसा नहीं है कि दिसंबर में कभी गर्मी हुई हो तो इस प्रकार जो समय पर ही जो मौसम है वो डिपेंड है द सन राइज एंड सेट्स एट ए पर्टिकुलर टाइम सूरज जो है वो राइजिज उदय होता है एंड सेट्स अस्त होता है एट ए पर्टिकुलर टाइम एक विशेष समय पर तो सूरज सुबह उदय होता है और रात को छिपता है तो एक उसका एक पर्टिकुलर टाइम है निश्चित समय है बट सम पीपल वेस्ट इट लेकिन कुछ लोग इसको वेस्ट व्यर्थ में गंवाते हैं इसको समय को एंड लेटर और बाद में ऑन दे रिपेंट वे उस पर पछताते हैं या दुखी होते हैं रिपेंट का मतलब पछताना या दुखी होना जो लोग समय को व्यर्थ में गमा गंवाते हैं वो बाद में पछताते हैं टाइम इज मनी समय पैसा है तो यहाँ पे हम इसको बोल सकते हैं कि समय कीमती है पैसा क्या होता है कीमती होता है तो हम इसको ऐसे भी बोलते हैं कि समय क्या है कीमती है अमूल्य है इट शुड बी यूज्ड वाइजली इसलिए इसे क्या है चाहिए शुड बी चाहिए यूज प्रयोग करना वाइजली बुद्धिमानी पूर्वक इसलिए इसे बुद्धिमत जैसे पैसे को बुद्धिमत मानी से ही हमें प्रयोग करना चाहिए व्यर्थ में नहीं कमाना चाहिए इसी तरह जो समय है उसको भी हमें बुद्धिमानी पूर्वक ही या बुद्धिमता से ही प्रयोग करना चाहिए इट कीप्स मूविंग यह चलता रहता है समय कभी रुकता नहीं है ना इट नेवर स्टॉप यह कभी रुकता नहीं समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता इट नेवर वेट्स फॉर एनी वन इट यह नेवर नहीं वेट्स इंतज़ार करता फॉर एनी वन किसी का यह किसी का इंतज़ार नहीं करता जैसे बड़े बुजुर्ग लोग भी कहते हैं ना कि समय किसी का इंतज़ार नहीं करता इसलिए हमें समय के साथ चलना चाहिए तो इसी तरह इसमें बताया गया है कि समय हमेशा चलता रहता है ये कभी रुकता नहीं और ना ही ये किसी का इंतज़ार करता है टाइम वंस गोन इज गन फॉर एवर टाइम समय वंस गोन एक बार चला गया इज़ गन फॉर एवर वह हमेशा के लिए चला गया मतलब जो बीता हुआ समय है वो कभी वापस नहीं आता ना अब जैसे जो समय बीत गया है मान लो आपका पिछले का साल है तो वो अब दोबारा से नहीं आ सकता एक बार जो समय बीत गया है वो हमेशा के लिए ही चला जाता है और बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता इट इज़ वेल सेड यह सही कहा गया है अच्छा कहा गया है टाइम एंड टाइड वेट नन यह एक कहावत है जैसे बड़े बुजुर्ग लोग कहावतें कहते हैं ना इसी तरह यह एक कहावत है क्या है टाइम समय एंड टाइड लहरें वेट फॉर नन किसी का इंतज़ार नहीं करती समय और लहरें किसी का इंतज़ार नहीं करती ये क्या है एक कहावत है सो वी शुड नोट वेस्ट इट सो इसलिए वी शुड नोट हमें नहीं करना चाहिए वेस्ट इट इसको वेस्ट इसको व्यर्थ में गंवाना नहीं चाहिए एंड ट्राई टू यूज़ एवरी सेकेंड ऑफ इट और ट्राई कोशिश करनी चाहिए यूज़ प्रयोग करने की एवरी सेकंड ऑफ इट इसकी हर एक सेकंड समय की हर एक सेकंड को हमें प्रयोग करने की कोशिश करनी चाहिए आफ्टर नोइंग द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम आफ्टर बाद में नोइंग जानने के द इम्पोर्टेंस महत्व को ऑफ़ टाइम समय के ए पुअर कैन बिकम ए किंग एक गरीब है वो एक राजा बन सकता है एंड ए फूल पर्सन कैन बिकम वाइज और एक मूर्ख व्यक्ति बुद्धिमान बन सकता है तो क्या है समय की महत्व समय के महत्व को जानने के बाद एक गरीब है वो तो एक राजा बन सकता है और एक मूर्ख पर्सन है वो एक बुद्धिमान बन सकता है कब जब वह समय की कीमत को जान लेता है स्टूडेंट्स हु केयर फॉर टाइम स्टूडेंट्स विद्यार्थी हु जो केयर फॉर टाइम समय की केयर करते हैं मतलब समय के बारे में सचेत रहते हैं एंड स्टडी हार्ड और स्टडी पढ़ाई करते हैं हार्ड अच्छी ऑल द ईयर पूरे साल मतलब पूरे साल बहुत मेहनत करते हैं दे कम फर्स्ट इन देयर क्लास दे कम फर्स्ट वे आते हैं फर्स्ट प्रथम स्थान पर इन देयर क्लास अपनी क्लास में जो बच्चे समय की कीमत को जानते हैं या समय का ध्यान रखते हैं और पूरे साल अच्छी मेहनत करते हैं वो हमेशा अपनी क्लास में फर्स्ट आते हैं स्टूडेंट लाइफ इज फॉर गेनिंग स्टूडेंट लाइफ बच्चों का जीवन इज है फॉर गेनिंग गेन का मतलब होता है प्राप्त करना नॉलेज ज्ञान तो स्टूडेंट्स की जो जीवन है वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही होता है दोज हु डोंट केयर फॉर इट वो जो इसकी परवाह नहीं करते रिग्रेट ड्यूरिंग देयर एग्जाम्स रिग्रेट पछताते हैं ड्यूरिंग के दौरान देयर एग्जाम्स अपने एग्जाम्स के तो जो इसकी परवाह नहीं करते वो अपने एग्जाम्स के समय पे पछताते हैं आपने देखा होगा ना एग्ज़ाम्स के टाइम कुछ बच्चे इधर उधर देखते रहते हैं क्योंकि पूरी साल तो उन्होंने पढ़ाई की नहीं और अब कुछ आता नहीं है तो वो इधर उधर देखते रहते हैं तो जो लोग इसकी परवाह नहीं करते कि इसकी समय की जो समय को व्यर्थ में गंवा देते हैं समय की परवाह नहीं करते वो एग्ज़ाम्स के समय में क्या करते हैं पछताते हैं स्टूडेंट्स कैन अचीव देयर टारगेट स्टूडेंट्स कैन स्टूडेंट्स विद्यार्थी कैन अचीव प्राप्त कर सकते हैं देयर अपने टारगेट उद्देश्य बाय वैल्यूइंग टाइम समय की कीमत के द्वारा मतलब समय की कीमत को जानने के द्वारा या समय को पहचानने पर ही जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं दे शुड हीयर देयर टीचर अटेंटिवली दे शुड वे जो बच्चे होते हैं अच्छे बच्चे होते हैं जो समय की कीमत को जानते हैं वे उन्हें सुनना चाहिए हीयर सुनना चाहिए देर टीचर अपने टीचर को अटेंटिवली ध्यानपूर्वक दे शुड रिच स्कूल इन टाइम उन्हें रिच पहुँचना चाहिए शुड चाहिए स्कूल विद्यालय में इन टाइम समय पर उन्हें विद्यालय में समय पर पहुंचना चाहिए दे शुड स्टडी इन टाइम उन्हें समय पर पढ़ाई करनी चाहिए दे शुड डू देयर होमवर्क इन टाइम उन्हें समय पर अपना गृह कार्य करना चाहिए होमवर्क आपको पता ही है आपको भी होमवर्क दिया जाता है ओनली बाई फॉलोइंग ऑल दीज गोल्डन रूल्स केवल फॉलोइंग अनुसरण करने पर मतलब अपनाने पर ऑल दीज गोल्डन रूल्स ये सुनहरे नियम दे कैन सक्सीड इन एग्जामिनेशन वे एग्जामिनेशंस में मतलब परीक्षा में सक्सीड सफल हो सकते हैं केवल इन्हीं जो नियम है क्या नियम है कि समय पर स्कूल में पहुंचना टीचर को ध्यान से सुनना समय पर पढ़ाई करना समय पर होमवर्क करना इन सभी नियमों को अपनाकर वे परीक्षा में सफल हो सकते हैं दोज हु वेस्ट देअर टाइम वो जो अपना समय व्यर्थ गंवाते हैं फेस फेलियर ऑल देयर लाइफ फेस सामना करते हैं फेलियर असफलता का ऑल देयर लाइफ अपने पूरे जीवन में तो जो समय को की कीमत को नहीं जानते समय को व्यर्थ गंवाते हैं वो पूरी लाइफ पूरे जीवन असफलता का सामना करते हैं वी शुड यूज़ ईच एंड एवरी मिनट हमें हर एक मिनट का प्रयोग करना चाहिए दिस इज़ ए रूल टू हैप्पी लिविंग यही खुशहाल लिविंग जीवन का नियम है दिस यह इज़ है रूल है, नियम हैप्पी लिविंग खुशहाल जीवन का तो यही खुशहाल जीवन का नियम है क्या है खुशहाल जीवन का नियम कि समय को व्यर्थ में नहीं गंवाना समय की कीमत को समझना उसके हर एक मिनट नहीं हर एक सेकंड का हमें सोच समझकर प्रयोग करना तो आई होप आप सभी भी समय की कीमत को पहचानेंगे अपना काम है वो समय के अनुसार करेंगे तो आप लोग भी लाइफ में सफल होंगे ओके थैंक्स ए नाइस डे